मेरे पांच बहना है, पांच बहना की शादी ने की, मैं उसके वास्ते कोई रोटी छोटी लेके जाता हूँ। अच्छा। जैसे कोई घुमाता रोटी छोटी लेके। यानी कि आप इतने सारा दिन जूते पॉलिश करके हिसाब को जो खाना वगैरह लेकर जाते हो, 200 रुपए कमाते हो। हेलो नमस्कार, जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी मैं रहीमदार खान में हूँ और इधर मुझे काम था थोड़ा सा, तो मैं आया हुआ था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा घूम फिर रहा था तो मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला है जो कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है और अपना नाम जो है बिलावल बता रहा है। तो वो मिला मुझे इस तरीके से कि वो बच्चा आया और मुझे कहने लगा कि भाई आपके जूता पॉलिश कर सकता हूँ। तो मैंने उसका नाम वगैरह उसका सारा कुछ पूछा तो मुझे पता चला कि ये तो एक हिंदू लड़का है और वो स्कूल जाने की उम्र में जो है जूते पॉलिश करता फिर रहा है। तो हम जानते हैं कि उसकी आखिर क्या मजबूरी है कि जो इस उम्र में तो बच्चे ज़्यादातर खेल कूद में और स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन ये बच्चा जो है मेहनत मजदूरी करता फिर रहा है, लोगों के जूते पॉलिश कर रहा है, तो इसकी क्या मजबूरी है वो मैं आपसे मिलवाता हूँ। तो व्लॉग को एंड तक देखना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा है। क्या नाम है आपका? बिलावल। बिलावल, अच्छा तो ये आप जूते पॉलिश करते हैं? कितना कमा लेते हो? 200। अच्छा 100-200। अच्छा तो एक जूता पॉलिश करने के कितने पैसे लेते हैं? 20 रुपए। 20 रुपए। अच्छा तो आपकी क्या मजबूरी है, घर में आपका बाप नहीं है, क्या मजबूरी है जो आप? सर मेरे पांच बहना है, पांच बहना की शादी ने की, मैं उसके वास्ते कोई रोटी छोटी लेके जाता हूँ। अच्छा। जैसे कोई घुमाता रोटी छोटी लेके। यानी कि आप इतने सारा दिन जूते पॉलिश करके हिसाब को जो खाना वगैरह लेकर जाते हो, 200 रुपए कमाते हो। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ढोल बजाते हैं। ढोल बजाते हैं, शादी ब्याह पे। तो आप स्कूल जाने का शौक नहीं, पढ़ने का शौक नहीं है? क्या करे सर, मजबूरी है ना, क्या करे, रोटी के पैसे नहीं बन रहे, किताबा शिताबा किधर से लाए सर? खाने के लिए पैसे नहीं है तो इस पे किताबें वगैरह कहाँ से लेंगे ना? अच्छा आपसे छोटा भी भाई है या कोई बड़ा है आपसे? हमसे छोटा एक भाई है, पाँच बहने। अच्छा तो सर कोई इमदाद कर ले, कोई पैसों की इमदाद कर ले, मेरे को स्कूल भेज ले कोई, मेहरबानी करके सर। भाई ये बच्चा छोटा था तो इसकी ये अपील है कि इसकी कोई हेल्प की जाए ताकि ये जो है जूते ना पालन का बल्कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, क्योंकि इसे पढ़ाई लिखाई का शौक़ है लेकिन इसकी एक मजबूरी है जिसकी वजह से ना ये जूते पालन वगैरह करता है और जिस तरीके से ये काम कर रहा है बहुत ही यानी कि एक मोटिवेशन वाला काम है, मोटिवेट करता है। इतनी सी उम्र पर मेरे देखे कई लोगों के बच्चे आजकल छोटे छोटे खेल कूद में बसरू होते, लेकिन ये देख लो इसे अपने घर की फिक्र है, अपनी बहनों की फिक्र, ये कह रहा है कि सारा दिन अभी मैं जूते पॉलिश करूंगा और उसी पैसे से खाना लेकर जाऊंगा। पांच बहनें हैं और ये बड़ा भाई है उनका, तो कोई ये क्या करेगा, जूते पॉलिश करके कह रहा है पैसे इकट्ठे करूंगा और पांच बहनों की शादी करूंगा। तो बहुत ही भाई, ये बिलावल नाम है आपका? तो इसके जो पिताजी है गाइस वो ढोल बजाते हैं और शादी ब्याह में यानी कि वो भी यही काम उनका, मेहनत मजदूरी वाला। तो